रिप्टेलियंस, आधे सांप जा छिपकली, आधे इंसान होते ये और आधे छिपकली के जैसे होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस पर विश्वास करता है या कौन नहीं। क्या हकीकत को किसी की मंजूरी की जरूरत है? आज की घटना ललित के लिए उम्मीद से कहीं अधिक थी, जो हाल ही में अपने चाचा के साथ भूत प्रेत भगाने में सहायक के रूप में शामिल हुआ था। इससे वो बहुत भयभीत हो गया। उसे ये समझने और सीखने के लिए प्रेरित किया गया कि अदृश्य को कैसे देखा जाए, जिसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। जैसे ललित को सदमा लगा, मुझे यकीन है आपको भी वैसा ही भयानक एहसास होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये राजस्थान के एक गांव का किस्सा है। वहां पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक भतीजा है जिसका नाम ललित है। ललित के जो चाचा जी है ना, ये भूत प्रेत निकालने में काफी विद्वान हैं। ये आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। लोगों को पता है कि ये लोग भूत प्रेत निकालते हैं। बहुत सारे लोग जो भूत प्रेत से पजेस्ट होते हैं ना, वो इनके घर पर आते हैं भूत प्रेत को निकलवाने के लिए। ललित के जो चाचा जी है ना, वो भी लोगों के घर पर जाते हैं भूत प्रेत निकालने के लिए। ललित के जो चाचा जी है ना, ये काम वो सफेद वस्त्र पहन के ही करते हैं। जब भी किसी का भूत प्रेत निकालना होता है तो वो सफेद कलर के कपड़े पहन लेते हैं। ललित ने ना बहुत बार अपने घर में लोगों को देखा है जो भूत प्रेत निकलवाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग इनके घर पर चंगे होके गए हैं, लेकिन आज तक ललित ने ना कभी भी अपना भूत प्रेत को नहीं देखा है। एक बार ना एक जमींदार का एक संदेशा आता है और उस जमींदार का एक बंदा आता है और बताता है कि हमारे घर में ना एक के बाद एक लोगों की मृत्यु हो रही है। लोग बीमार पड़ जाते हैं और मरते जा रहे हैं। पता नहीं क्या उनके घर में अजीब सा हो रहा है। यहाँ तक कि घर में ना एक औरत का साया देखा गया है। वो जो औरत है, रात के वक्त पूरे घर में घूमती है, घुंघरू की आवाज आती है। लोग जो है उसकी आवाज, घुंघरू की आवाज सुनकर ही ना बीमार पड़ जाते हैं। जो भी उसकी आवाज सुनता है वो बीमार पड़ जाता है। मरने के टाइम पे वो बोलता है कि हाँ, इस घर में कोई है, हमने घुंघरू की आवाज सुनी है। लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं और अपना जान खो देते हैं। अब जो चाचा जी होते हैं, ये बात सुनकर ना वो थोड़ा टाइम अपनी आंखें बंद करते हैं। 10 मिनट के बाद ना वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस घर में जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो ललित को बोलते हैं कि तुझे अक्सर तू मुझे बोलता है ना कि तुझे भूत देखना है, भूत देखना है, चल आज मैं तेरे को दिखाता हूँ। ललित ये बात सुनकर ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ललित ने कभी भूत नहीं देखा है। वो तो सिर्फ लोगों को देखता है चंगे होते हुए। तो ललित को इतना एक्साइटमेंट होता है ना, वो बोलता है हाँ हाँ चाचा जी, चलो चलो चलो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ललित ना पहली बार अपने चाचा जी को असिस्ट कर रहा होता है। ललित को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो फुल स्ट्रेंथ में होता है, फुल एनर्जी में होता है। और जैसे ही ये लोग ना उस घर में जाते हैं, तो चाचा जी क्या करते हैं, अपने हाथ में ना एक नींबू लेते हैं, थोड़ी तुलसी की पत्ती लेते हैं और कुछ पत्तियाँ, और भी बहुत सारी उनके अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों की, वो अपने हाथ में लेते हैं और अपनी दोनों मुट्ठियों को एकदम टाइट बंद कर लेते हैं और पूरे घर का चक्कर लगाते हैं। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद ना वो आंगन में आते हैं और नीम के पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। तो चाचा जी बोलते हैं कि इस घर में जितने भी स्त्रियां और बच्चे हैं ना, सबको एक रूम में बंद कर दो, किसी को भी बाहर आने की कोई इजाजत नहीं है और ना ही कोई खिड़की से हमें देखे। तो ऐसा ही होता है, जैसे चाचा जी ने बोला वैसे ही सब लोग करते हैं। तो चाचा जी जमींदार को बोलते हैं कि ऐसा करो, इस नीम के पेड़ के पास एक खड्डा खोदा जाए। तो खड्डा खोदा जाता है। जैसे खड्डा खोदा जाता है ना, तो थोड़ी सी ही जमीन की गहराई के अंदर देखा जाता है कि बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं। किसी जानवर की हड्डियां हैं और किसी औरत के लंबे लंबे बाल हैं वहां पर, और यहाँ तक कि एक ना लाल कपड़ा है। जब उस लाल कपड़े को खोला जाता है तो उसके अंदर खिल्लियां होती हैं, यहाँ तक कि एक कपड़े की एक छोटी सी डॉल भी बनी हुई थी। तो चाचा ये देखकर बोलते हैं कि आपके ऊपर किसी ने इस तरह का जादू टूना किया था कि मृत्यु की आत्मा आपका घर देख ले, इसीलिए एक के बाद एक की मृत्यु हो रही थी। तो ये बात सुनकर ना जमींदार बहुत ज्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसके पूरे चेहरे का कलर उड़ जाता है। तो चाचा जी बोलते हैं टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं इसको अभी इसी वक्त नष्ट कर दूंगा। और चाचा जी जमींदार को बताते हैं कि ऐसी हर एक चीज के पीछे एक पहरेदार होता है।
और उस पहरेदार को हटाना होगा। इसलिए मैं जब तक नहीं बोलूँ ना तब तक कोई भी बंदा हिलेगा नहीं। तो जमींदार सिर्फ ऐसे मुंडी हिलाता है, हाँ मतलब हाँ ठीक है नहीं हिलेंगे। तो चाचा जी ललित को बोलते हैं कि ये जो जादू टूना है ना, लाल कपड़े में जो भी सामान है, गुड़िया है और बाल है, हर एक चीज को ना पेट्रोल डाल के नष्ट कर दे। तो ललित बोलता है ठीक है। अब ना चाचा जी जो होते हैं अपना जमींदार के पास होते हैं, ललित कम से कम 5 फीट की दूरी पर होता है। ललित फटाफट उस चीज के ऊपर पेट्रोल डालता है और जला डालता है। जैसे वो चीजें जलती है ना तो बहुत गंदी बास आती है, इतनी भयानक बास आती है ना कि वहां पर खड़े रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन चाचा जी ने बोला था ना अब कोई हिलेगा नहीं, तो इतने में क्या होता है, धार देने स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और ललित चाचा जी सब लोग देखते हैं कि उस स्टोर रूम से ना एक बहुत ही खूबसूरत पतली सी नौजवान लड़की बाहर निकल के आती है। उसके पैरों में ना पायल पहनी हुई थी, वो छन 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 करती हुई आ रही है। सब लोग उसको देखते हैं तो चाचा जी बोलते हैं बस वहीं पे रुकी रह, नहीं तो मैं तुझे अभी का अभी नष्ट कर दूंगा। ये देखकर ललित एकदम घबरा जाता है कि चाचा जी को क्या हो गया है, इसको ऐसा क्यों डांट रही इस लड़की को बेचारी को। हाँ ये अभी ललित सोच ही रहा होता है ना तो वो जो लड़की है ना देखते ही देखते अपना आकार बदल लेती है। वो सर से धड़ तक ना इंसान के रूप में है और नीचे का उसका जो हिस्सा है ना वो छिपकली का बन जाता है और वो क्या करती है छिपकली की तरह रेंगते हुए ना नीम के पेड़ पर सीधी चढ़ जाती है। इतने में जो चाचा जी है ना वो भागकर पेड़ के पास आते हैं और फटाफट पेड़ को आग लगा देते हैं। जैसे नीम के पेड़ को आग लगाई देगी ना तो जोर जोर से औरत के चीखने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, आ आ करके ऐसे चीखने की आवाज आती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो पेड़ से इसलिए निकल पा रही थी क्योंकि नीचे चाचा जी ने घेरा फटाफट बना दिया था और जो ललित था वो एकदम सुन हो गया था। अब क्या करते हैं चाचा जी ना फटाफट अपने हाथ में एक अंडा लेते हैं और ललित के ना सर के ऊपर ऐसे घुमाते हैं और धार देने जमीन पर नीचे फेंकते हैं। जैसे अंडा वो टूटता है ना उसके अंदर से पूरा ब्लडी ब्लड निकलता है, ललित एकदम चौंक जाता है। अब ये अंडा फूटने के बाद ना ललित उस पिशाचनी को देखता है। वो जो पिशाचनी थी ना बहुत ही भयानक खूंखार दिख रही थी। उसका आधा रूप इंसान का था और आधा जो रूप था ना वो छिपकली और जैसे किसी सांप का होता ना वैसा था। ललित ये देखकर एकदम चौंक जाता है। उसका विराट विशाल रूप देखकर ना उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, 6 फुट की वो पेड़ के ऊपर खड़ी है, लंबे लंबे काले बाल है, लंबे लंबे उसके दांत है, लंबे लंबे नाखून है और वो उसको जैसे जैसे आग लगती जा रही है ना वो जोर जोर से चीखती है। उसकी चीखें सुनकर ना ललित के कान तो ऐसे थे कि अभी के अभी उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। ललित बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो चाचा जी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसको बोलते हैं डरने की बात नहीं है, ऐसी चीजें जो है ना हम पर कोई हावी नहीं हो सकती है, अगर तुम डरोगे तो ये चीजें और ज्यादा हमको डराएंगी, तो हमको इन चीजों से डरना नहीं है। चाचा जी ललित को दिलासा देते हैं, ललित थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है। अब ललित देखने तो भूत गया था लेकिन उसने राक्षस देख लिया था तो ललित को झटका पड़ना तो नेचुरल था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो लोग अभी भी ऐसी राक्षसी सत्ता के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं ना तो जल्द ही समय उन्हें साबित कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम।